नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राजस्थान के 6 जिलों में चुनाव घोषित होने के बाद में पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के सदस्य अब लगातार जनता के बीच में वोट बटोरने के लिए जा रहे हैं और जनता से वादे कर रहे हैं। इसी बीच में पेमाराम जी सेफट हमारे साथ मौजूद है, जिला परिषद जोन नंबर 8 से ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या इनकी मुख्य समस्याएं हैं और जो लंबा समय राजनीति में बीता है वो अनुभव कैसा रहा है। तो पेमाराम जी, स्वागत है चैनल में। धन्यवाद पेमाराम जी। सबसे पहले तो एक लंबा राजनीतिक आपका अनुभव रहा है, कब से आपने राजनीति की शुरुआत की और आज की राजनीति में कितना अंतर आ गया? देखिए, मैं तो 80 से राजनीति में हूँ। सरपंच पहली बार 80 में बन गया था, तब से मैं सरपंच हूँ। अब ये मुझे पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है जिला पार्षद के लिए, तो उसके लिए मैं उन पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जनता से भी अपील करता हूँ कि जो मेरे कार्य पूर्व किए हुए हैं, जनता की सेवा की हुई है, लोगों की सेवा की है, उसको देखते हुए मेरे पक्ष में मतदान करें, पार्टी के पक्ष में मतदान करें। साथ ही मैं किसानों की आवाज़ भी उठाता रहा हूँ। आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है मेरा, किसान संघर्ष जो दिल्ली में बैठे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि कांग्रेस का बटन दबा के बीजेपी को सबक सिखाए। अगर कोई इसमें किसान चूकता है तो वो स्वयं की छाती पे खंजर लगाने जैसी होगी। तो मेरी ये अपील है कि भाजपा को सबक सिखाने के लिए यहाँ से ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। पेमाराम जी, जिस प्रकार से दिल्ली के आंदोलन में आज वहाँ पर किसान तीनों कृषि बिलों को रद्द कराने के लिए लगातार बैठे, 9 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है और ऊपर से ये चुनाव आ गए हैं, क्या लगता है जनता इस चीज़ को समझते हुए अपनी सरकार चुनेगी या फिर कहीं ना कहीं जो है वो इसका है जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, जनता में आक्रोश है भाजपा के प्रति, किसानों के प्रति सहमति है। हमने भी यहाँ बहुत ट्रैक्टर रैली निकाली है, कई धरने प्रदर्शन किए उनके समर्थन में, और हमारी जो संवेदना है उनके प्रति, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं। तो मैं तो फिर जो जनता से यही अपील करता हूँ कि ये मौका है, आपके सामने आया है कि खुद फैसला करो। इस फैसले में चूक गए तो फिर आपको बीजेपी हैवी हो जाएगी और किसानों को कुचलने का काम करेगी। जी, 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर रैली थी उस पर किसानों ने ट्रैक्टरों से विरोध जताया और उसके बाद में अभी अपने स्वतंत्रता दिवस पर भी जो है वो एक विरोध रैली भी निकाली थी, लेकिन मोदी जी पे इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या लगता है ये बिल माफ़ होंगे, इस पर कोई असर होगा या फिर लंबा आंदोलन चल रहा है? इतना असर होगा, बिल्कुल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये तो लंबा संघर्ष चलेगा जब तक, जैसे बंगाल में सबक मिला है, अब यूपी में मिलेगा, या राजस्थान में भी सबक मिलेगा। यहाँ की जनता, अब किसान जाग चुके हैं, जवाब देंगे बिल्कुल। करीब 45,000 वोटों की आप यहाँ पर अगुवाई कर रहे हो जोन नंबर 8 जिला परिषद से, क्या क्या जनताएं आपको समस्याएं बताती है, क्या क्या यहाँ पर मुख्य तौर पर समस्या है, यदि आपको जनता मुखिया चुनती है तो आप इसका समाधान करेंगे? देखिए, जनता किसान बेल्ट है हमारा ये। अच्छा। और किसानों की एक ही आवाज़ है कि हमारा समर्थन मूल्य गारंटी हो, वो खरीद अनिवार्य हो जाओ। तो उसके लिए जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने भी प्रदर्शन किया है। जो काले कानून थे उनको रद्द करने की बात हमने भी की है। तो मैं तो फिर जनता से एक ही अपील कर रहा हूँ कि आपके पास अभी मौका आया है, इसको चूके नहीं। बिल्कुल, किसान अगर संतुष्ट है तो पूरी जनता है वो संतुष्ट रहेगी। तो अपने सेप्ट साहब, इसके अलावा जैसे आप प्रचार में जा रहे हो तो और जनता आपको मतलब क्या समस्याएं बताती है प्रचार के दौरान? जैसे महंगाई का मुद्दा है, जो आज डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, ये आसमान छू रही है। जबकि बीजेपी की सरकार थी, खुद विपक्ष में थे, तब महंगाई की मार वाली बातें करते थे, सही है, तेल की मार की बात करते थे, आज वही गैस की मार की बात करते थे। आज वही लोग मौन होके बैठे, महंगाई आसमान पे जा रही है। तो अब ये जनता इसका अगर बटन दबा के सबक सिखाए तो उसकी आँख खुलेगी सरकार की भी।
मतलब सबक यही रहेगा, यही रहेगा भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो जिला परिषद के अंदर सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो देखा गया है। पंचायतों में हम जाते हैं, आपके डायरेक्टर से मिलते हैं, सभी से मिलते हैं, तो भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत अधिक है। तो यदि आपको मौका मिलता है तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या प्रयास रहेगा? नहीं, मैं तो खुद आज तक मेरी कोई लांछन नहीं है, मेरी ईमानदारी से काम किया है और आगे भी काम करता रहूँगा। मेरे सामने ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई जो भ्रष्टाचार की जैसी कोई देखने को मिला। दूसरी बात, हमारी पार्टी ने यहाँ कांग्रेस का है, हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत से विकास कार्य किए, तो हम दूसरा विकास के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं। साथ ही हमारे कई महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी खोली थी। अच्छा। मंत्री जी ने अभी तहसील खोली है, पंचायत समिति है, पहली बार गठन हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये भी हमारी मतलब उपलब्धियों में, विकास के कामों में गिनती है। मंत्री जी की सौगातें वो रंग लाएगी। हाँ, ये बात सेठ साहब। अंत में आज रक्षाबंधन का जो पर्व है, पूरा देश आज रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है, इसके साथ ही जो चुनाव का जो पर्व आ रहा है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं तो सभी को खुशहाली भाईचारे की संदेश देता हूँ। ये शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ खास मुलाकात में पेमाराम जी, सेपट जोन नंबर 8 से ये चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद सदस्य का। इन्होंने बताया है कि किसानों के जो मुद्दे हैं वही प्रमुख मुद्दे हैं, यदि जनता अपनी सरकार चुनेगी तो किसानों को है वो खुशहाली मिलेगी। इसके साथ ही जो विकास कार्यों की जो इन्होंने बात की है कि विकास के नाम पर जनता हमारी सरकार चुनेगी। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, मेरे सहयोगी सुभाष चौधरी के साथ रमेश।